अस्सलाम वालेकुम, मैं कैफे में उम्मीद करता हूँ सब खैर से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह खैर से हूँ। वेलकम है आप लोगों का एक नई वीडियो में। लोगों के सवाल हैं कि भाई हम 10th और 12th पास हैं तो बाहर आना चाहते हैं, कोई अच्छा वीज़ा बताएं। तो इस सवाल से मुराद यही है भाई कि उन्हें नहीं पता है कि वो बाहर किस काम पर आना चाहते हैं, उनके पास कोई स्किल्स नहीं है। सिंपल सी बात यही है। तो आज मैं उन्हें गाइड करने वाला हूँ कि अगर वो एक चीज़ कर लेंगे और फिर उसके बाद बाहर का वीज़ा ट्राई करेंगे तो उन्हें सैलरी भी अच्छी मिलेगी और उनके लिए बेहतर होगा। और अगर वैसे ही वीज़ा वगैरह खोजेंगे तो वही मिलेगा उनको, ड्राइवरी वगैरह का वीज़ा मिलेगा इस क्वालिफिकेशन पे और हेल्परिंग का मिलेगा। तो बेहतर यही, इस वीडियो को देखें, हो सकता है आपके लिए फ़ायदेमंद हो, तो बने रहें। तो देखें, इस वीडियो की शुरुआत यहाँ से होती है कि भैया अगर आप 10th और 12th पास हैं तो बराए मेहरबानी एक काम कर लें। इस ज़माने में सबसे ज़रूरत जो पड़ने वाली है वो है दो चीज़ों की, एक है इंग्लिश और दूसरी है भैया कंप्यूटर, फ्यूचर उसी का है। तो आपको करना क्या है कि 12th के साथ साथ आप कर सकते हैं कंप्यूटर कोर्स कर लें, आप DCA कर सकते हैं, आप डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन एक साल का होता है, इसमें आपको सारी चीज़ें सिखाई जाती हैं। लेकिन मैं नहीं कहूँगा कि आप सारी चीज़ें सीखें, जो सबसे ज़्यादा ज़रूरत है वो है दो तीन चीज़ों के कंप्यूटर में, एक्सेल, MS Word, ये भैया आप एकदम घोल के पी लें। ठीक है, तो घोल के पीने से मतलब यही है कि रट लें, एकदम बैठा लें उस पर, एकदम हाथ साफ कर लें। आप अगर कहीं ज्वाइन आपने किया है तो साथ में कहीं आप छोटी सी जॉब कर लें या कुछ उस पर ऐसा काम करते रहें जिससे वो आपको याद होता रहे। अगर ऐसे पढ़ के आप निकल लेंगे तो सब भूल जाएंगे मेरी तरह। तो यही है, अपनी तरह बता रहा हूँ इसलिए क्योंकि मैंने भी पूरा कोर्स किया था, टैली वगैरह सब किया था, लेकिन फिर मैं भूल गया। लेकिन जब काम शुरू किया, करता रहा तो उसके बाद चीज़ें होती गई, आती गई, लेकिन यहाँ सीखना पड़ा। तो बेहतर यही है कि अगर आपको करना यही है कि 10th 12th के साथ आपके पास एक सर्टिफिकेट होना चाहिए, वो है भैया कंप्यूटर का, तो आपको करना है कोर्स। वो कोर्स आप करेंगे, आपको सर्टिफिकेट मिलेगा, उसके बाद जब आप अपनी CV बनाएंगे तो वहाँ पर उस चीज़ को मेंशन करेंगे, आपके लिए फ़ायदेमंद और बेहतर होगा। तो आपको क्या है, कतर में जब कहीं के भी जब आप अप्लाई करेंगे तो आप करेंगे भैया कैशियर की जॉब, आसानी से मिल जाती है। मतलब आसानी से मुराद इतनी आसानी से नहीं मिलती है, लेकिन मिल जाती है क्योंकि चीज़ें बहुत जल्द खुलने लगी हैं। तो सैलरी बताऊँ क्या हो सकती है आपकी, स्टार्टिंग जो होगी बहुत कम से स्टार्ट होगी, वो भैया 1800 या अगर आप और तलाश करेंगे तो आपको 2000 प्लस ही मिल सकती है, लेकिन गिरी से गिरी हालत में 1800 की सैलरी आपको मिलेगी। तो 1800 से स्टार्टिंग सैलरी होगी कैशियर में। फिर उसके बाद इसमें क्या होता है कि चीज़ें रेट, मतलब जो आपकी सैलरी होती है वो बढ़ती रहती है, और भी बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। और तो बस यही है, और जॉब भी अच्छी होगी, ड्राइवर और हेल्पर की जॉब से लाख गुना बेहतर होगी। वैसे ग्रेजुएशन कर लें ज़्यादा बेहतर है, ग्रेजुएशन नहीं भी है तो भी आप 10th और 12th की पास होने के बाद भी आप क्या कर सकते हैं, कंप्यूटर कोर्स लाजिम ज़रूरी है। और अगर इंग्लिश सीख पाएँ तो सीख लें, आपके लिए फ़ायदेमंद है। और अगर इंग्लिश नहीं भी आती है तो कोई बात नहीं, कंप्यूटर से काम चल जाएगा आपका। इंग्लिश वैसे मुझे भी नहीं आती है, बस पढ़ के समझ लेता हूँ कि हाँ लिखा क्या है, लेकिन अगर कोई मुझसे बात करे तो मैं उसकी बात समझ लूँगा, लेकिन फिर जब बोलना होगा ना तो क्या है, अल्फाज जो होंगे वो ऐसे ऐसे टहलेंगे, वो पकड़ के चुन के लाना वो मुश्किल होती है ऑन द स्पॉट। तो यही मसला कुछ होता है। तो कहना यही था कि भाई आज इस वीडियो में बात थी कैशियर के ऊपर कि ये जॉब आसानी से आप कर सकते हैं 12th के बाद, अगर आप ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं है मजबूरी की वजह से तो आप ये कर लें। तो बस यही बताना था इस वीडियो में, छोटी सी वीडियो है, उम्मीद करता हूँ अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। मिलते हैं किसी नए वीडियो में नेटवर्क के साथ। ख्याल रखना, सलाम अलैकुम।